भारत की दो महान गाथाओं में से एक गाथा आती है रामायण। तो आज की वीडियो को बनाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारे रामायण पर बनी हुई फिल्मों को देखूंगा और एनालाइज करूंगा कि किसका कितना अलग अलग विजन है। और आज तुम्हें यही समझाने की कोशिश करूंगा कि हर डायरेक्टर का अलग अलग पर्सपेक्टिव है रामायण को देखने का, और उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव पे बहुत सारी फिल्में बना रखी है। 1942 की फिल्म भरत मिलाप। अब अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भरत मिलाप कितना ज्यादा खास है रामायण के लिए। वो उतना सा सीन पूरे के पूरे युग को जस्टिफाई कर देता है। भरत अयोध्या से चला जाता है, जाने के बाद में यहाँ पे पूरी राजनीति खेली जाती है जहाँ पे राम भगवान को वनवास भेजा जाता है। इतने टाइम में भरत बाहर रहते हैं। भरत जी वापस जब लौटते हैं तो वो गांव के बाहर में सारे पूर्वजों की मूर्ति लगी हुई होती है। वो एक एक करके सारे पूर्वजों को नमस्कार करते हैं और जब आखिरी मूर्ति की तरफ जाते हैं तब देखते हैं कि उनके ही पिताजी की मूर्ति वहां पे लगी हुई है। तब वो सारथी से पूछते हैं कि यहां पे क्या हुआ। तब वो सारथी बताते हैं कि आपके पिताजी गुजर चुके और गुजरने के साथ साथ राम भगवान को वनवास हो चुका। इस बात को सुनते ही वो अयोध्या में आते हैं। फिर उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं जाऊंगा राम जी को ढूंढने के लिए। तो राम जी जो चित्रकूट में रुके हुए थे वहां वो पहुंचते हैं और फिर अब दो भाइयों के बीच का प्रेम आपको वहां पर नजर आता है। ये बहुत ही खूबसूरत है और इसी पर मूवी बेस करती है भरत मिलाप। एक्चुअली में इस फिल्म को अगर आप देखने के लिए जाओ तो ये आधी से ज्यादा फिल्म आपको अयोध्या में ही देखने को मिलेगी कि किस तरीके से पॉलिटिक्स होता है ना पूरा का पूरा राम भगवान को वनवास भेजने के लिए, उसी पर ये मूवी बहुत देर तक चलती है। पूरा क्लाइमेक्स जो भरत मिलाप का है वो क्लाइमेक्स में आता है। तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि देखने का मूड है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। इस फिल्म को बनाया विजय भट्ट ने। विजय भट्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हिंदू हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इन्होंने ना रामायण बनाई, भरत मिलाप बनाई, साथ ही साथ इन्होंने राम राज्य भी बनाया जो कि है मेरी अगली फिल्म। राम राज्य 1943 में आई थी और इस मूवी का जो स्टोरी है वो उत्तरकांड पर बेस करती है। देखो राम जी अयोध्या वापस लौट चुके हैं सीता माता को लेकर। उसके बाद में वो जो आपने पूरी कहानी सुनी होगी कि सीता माता को फिर से जंगलों में राम जी भेज देते हैं और ये सारी बातें, फिर लवकुश पैदा होते हैं, ये जितना भी आपने सुना ये उत्तरकांड के अंडर में आता है। और उत्तरकांड के बारे में एक रियलिटी में तुम्हें बताना चाहूंगा कि कुछ लोग उत्तरकांड को सच मानते हैं और कुछ लोग झूठ मानते हैं कि उत्तरकांड कभी लिखा ही नहीं गया है। अब उत्तरकांड को लोग झूठा क्यों कहते हैं इस पर आते हैं अपन। तो इसके पीछे बहुत से लोगों ने बहुत सी रिसर्च करी है। लाइक लोगों का यह कहना है कि वाल्मीकि जी ने जब युद्धकांड लिखा था तो उसको लिखने के बाद में अपनी रामायण को उन्होंने संपूर्ण कर दिया था, बोले यहाँ खत्म हो चुकी है। उसके बाद में मुगल और ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने एक्स्ट्रा में उत्तरकांड लिखा है ताकि लोगों तक राम भगवान की एक अलग परछाई भी पहुंचे। अब उत्तरकांड को वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, इस बात की लोग तर्क देते हैं कि जो वाल्मीकि जी की लिखावट है वो उत्तरकांड में बहुत ही अलग नजर आती है। और ये बात सच है कि देखो कोई राइटर अगर प्रॉपर वे में लिखता तो समझ में आ जाता कि कौन सा राइटर इस कहानी को लिख रहा है या फिर कौन सा डायरेक्टर इस मूवी को बना रहा है। और वाल्मीकि जी की लिखावट उत्तरकांड में नजर नहीं आती। और साथ ही साथ उत्तरकांड में ऐसे बहुत से पॉइंट है जहाँ पे आप राम भगवान की एक अलग ही परछाई देखते हो, जैसे कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट मैंने भी सुना है कि वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा हुआ है कि राम भगवान खुद अपने हाथों से मदिरा पान सीता माता को करा रहे हैं। अब इस चीज को कोई भी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहेगा और ये बातें मूवीज में नहीं बताई जाती है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं और तुम्हें बता देता हूँ कि उत्तरकांड रियल है या नहीं है, फिर तुम जज कर लेना। युद्ध कांड होता है जब रावण मर जाता है और उसके बाद में सीता जी लौट आती। जैसे ही सीता जी लौट आती राम भगवान उनसे बात नहीं करते और सबसे पहला ही ये बात हो जाती है अग्नि परीक्षा की। और युद्ध कांड में लिटरली वाल्मीकि जी ने भी लिखा और कई सारी मूवीज में देखने को मिलता है कि अग्नि परीक्षा होती है जहाँ सीता पवित्र है, इनके स्पर्श से मैं भी पवित्र हो गया, इन्हें स्वीकार कीजिए राघव। कि राम भगवान की सेना सब लोग ये बात देख लेते और इसके बाद में वो अयोध्या पहुंचते हैं। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि जब लंका में उन्होंने अपना अग्नि परीक्षा दे दी थी तो एक धोबी के कहने में आकर वो दोबारा अपनी वाइफ को वन में भेजेंगे वो भी अकेले। अब ये पूरा पॉइंट आ जाता है उत्तरकांड को झूठा ठहराने का और राम राज्य मूवी इसी पर बेस करती है। राम राज्य के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ में आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से धोबी खुद की बीवी पर शक करता है और उसके बाद में राम भगवान के बारे में वो बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करता है और उसके बाद में ये पूरी की पूरी कथा होती है। रामायण के बहुत बड़े एक पात्र से मिलवाता हूँ, रावण। रावण को जब भी दिखाया जाता है राम भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, बट सीता माता का अपहरण करने से पहले भी रावण की एक बहुत ही बड़ी परछाई बनाई गई थी और उसी परछाई को बताया जाता है भो कैलाश फिल्म के अंदर। इस फिल्म की शुरुआत होती है कि लंकेश ने सब दूर कब्जा कर लिया और फिर लंकेश को वहां पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब डायरेक्ट स्वर्ग चलते हैं, स्वर्ग में कब्जा करते हैं। यहां से इस फिल्म की शुरुआत होती है। अब एक्चुअली में इस मूवी की कहानी कहां किसकी बेस करती है
तो गोकर्ण नाम का जो कर्नाटक में मंदिर है, आत्मलिंगा नाम से भी उसे संबोधित किया जाता है, वो कर्नाटक में, उस मंदिर की कहानी इसमें दिखाई जाती है कि उस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। और उस मंदिर की स्थापना करने वाला रावण था। अब रावण ने जानबूझकर नहीं करा, गलती से उससे हुआ। तो महाबलेश्वर टेम्पल की स्थापना करने के पीछे बहुत लोगों का योगदान था, गणेश जी का था, पार्वती माता का था, नारद मुनि का था, इन सब ने मिलकर किस तरीके से रावण को मैनिपुलेट किया, वरना रावण और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस कहानी को इतना सा बता रहा हूँ कि उसी कहानी को भोग कैलाश में पोर्ट्रे किया गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इसमें रावण को ग्लोरीफाई किया गया, जो चीज मुझे पसंद नहीं आई। इसके बाद में चौथी फिल्म आती है बजरंगबली, और ये फिल्म आई थी 1976 में। शनिदेव से मिलते हैं और उसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है कि वो राम भगवान को वन में मिलते हैं और फिर वो सुग्रीव के पास में लाते हैं, लंका जाते हैं, ये सब इस बजरंगबली फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलता है। बट बजरंगबली फिल्म की खास बात क्या थी, इसमें कौन थे बजरंगबली बने हुए? दारा सिंह। और बजरंगबली के रोल को उन्होंने इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया था कि आपने जो 1987 में शो देखा है रामायण, उस शो में दारा सिंह को लिया गया था, क्योंकि वो बजरंगबली के रोल में इतने ज्यादा परफेक्ट लग रहे थे। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट कहने के पीछे का रीजन बता देता हूँ। इस फिल्म का नाम है संपूर्ण रामायण। नाम तुमने सुना होगा, मूवी तुमने शायद नहीं देखी होगी। 1961 में ये फिल्म आई थी। और इस फिल्म की खास बात बताता हूँ, ये 3 घंटे के समथिंग की फिल्म है, और इस फिल्म की कहानी आपको, जैसे कि रामायण शो जो है वो बहुत लंबा है, आपको पूरा देखना पड़ेगा पूरी कहानी को समझने के लिए। बट अगर कोई ऐसी ऑडियंस आती है जिसे वो शो नहीं देखना, बस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 घंटे में पूरी की पूरी रामायण को समझना, तो वो देखो संपूर्ण रामायण। और इस पूरी लिस्ट में यही मूवी में तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म में आपको कहानी शुरू कहाँ से होगी? राम भगवान और सीता माता के विवाह से, वहां से कहानी स्टार्ट होगी। वनवास जाएंगे, वनवास से युद्ध लड़कर दोबारा आ जाएंगे, और उत्तरकांड भी इसमें दिखाया जाएगा, यानी कि लव कुश का जन्म भी दिखाया जाएगा। तो ये संपूर्ण कहानी देखने को मिलती है। और एक्चुअली में आप बात नहीं मानोगे, रामानंद सागर जी का जो शो था वो संपूर्ण रामायण से ही इंस्पायर करके बनाया गया था। तो मैं इसे उन्हीं लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा जो रामायण को फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि मूवी कितनी अच्छी हो सकती है। ये थी मेरी वीडियो रामायण के ऊपर। अब आदि पुरुष में ओम रावत का वर्जन आपको नजर में आने वाला, कि वो किस तरीके से अपने राम भगवान को देखते हैं, वो किस तरीके से सीता माता को देखते हैं। और 16 तारीख को आदि पुरुष मूवी के रिव्यू के साथ में भी अपन अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ जाओ, मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में।